लुहान से लेकर डोनेस तक रूसी फौज ने अब यूक्रेन को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। रूसी फौज की 120 एमएम मोर्टार ब्रिगेड चुन चुन कर यूक्रेनियन आर्मी के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। कई इलाकों में रूसी फौज ने यूक्रेनियन आर्मी की डिफेंस लाइन को भेद दिया है। डोनेस का दुर्ग बचाने के लिए रूस ने पूरा जोर लगा दिया है। डोनेस से रूस का कब्जा छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने वाली यूक्रेन की फौज को आज मात खानी पड़ी। रूसी फौज ने 24 घंटे में डीपीआर एलपीआर पर 400 से ज्यादा गोले दागे। ज़ेलेंस्की ने रूसी बमबारी को बेहद खौफनाक बताया। रूस ने ज़ेपोराजिया में यूक्रेनी एयर फोर्सेस के प्लांट पर बड़ा अटैक किया। रूसी मिसाइल प्लेन के इंजन बनाने वाले प्लांट पर गिरी। इस हमले में फाइटर जेट के कई इंजन तबाह हो गए। ज़ेपोराजिया के मोटर स्विच प्लांट पर हाल ही में यूक्रेन ने कब्जा किया था। दुनिया के सबसे ठंडे इलाके आर्कटिक क्षेत्र में रूस ने बड़ी सैन्य तैयारी की है। रूस नए आर्म्ड व्हीकल्स को तैयार कर रहा है। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में 50 सैन्य अड्डे खोले हैं। इसके साथ 10 रडार स्टेशन को भी अपग्रेड किया है। यहां तैनात वॉरशिप को भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया गया है। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच जर्मनी अब पोलैंड की सैन्य मदद करेगा। पोलैंड के एयर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दिया है। 15 नवंबर को पोलैंड में मिसाइल गिरी थी। इस मिसाइल स्ट्राइक में 2 लोगों की मौत हुई थी। सरेंडर करने वाले रूसी फौज के युद्धबंदियों को गोली मारने पर संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिकी मीडिया ने रूसी युद्धबंदियों को गोली मारने की पुष्टि की है। युद्धबंदियों को गोली मारने को लेकर पश्चिमी देश भी ज़ेलेंस्की से नाराज हैं। ब्रिटेन को यूक्रेनी हथियार आतंकियों के हाथ लगने का डर सता रहा है। ब्रिटेन ने नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों की नजर पिस्टल, मशीन गन और ग्रेनेड स्मगलिंग पर है। इंटरपोल और यूरोपोल ने भी हथियारों की स्मगलिंग को लेकर यूक्रेन को अलर्ट किया है। बखमुट के बैटल ग्राउंड से कलेजा चीर देने वाला वीडियो सामने आया है। रूस की वैगनर फोर्स के सैन्य दस्ते को यूक्रेन ने M777 होवित्जर के गोले से मार गिराया। वैगनर फोर्स के सैनिक जमीन पर लेटकर मोर्चा संभाल रहे थे, तभी भीषण विस्फोट हुआ। भीषण युद्ध के बीच सेंट पीटरबर्ग में बेंगारडोव का गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ है। भीषण विस्फोट के बाद आसमान में आग का गुब्बार देखा गया। लेनिनग्राद रीजन के गवर्नर ने दावा किया कि धमाके के पीछे बड़ी साजिश है।